हेलो एवरीवन, तो मैं पहुंच गया हूं आज रमन मेहरा के घर में। तो आज का शूट हम करेंगे यहां पे, और 15 दिन की रिकवरी के बाद मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, आपको बताना चाहता हूं। तो थोड़ी सी मेरी जो फिजीक है वो भी आपको थोड़ी लूज़ लगेगी। तो अभी हम इसके घर में करेंगे शूट। भाई अभी गया नहाने के लिए, तो फ़िलहाल तो हम भाई के रूम में बैठे हुए यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं, अपना सारा सिस्टम सेटअप कर रहा है। तो जैसे फिर भाई आते हैं, पंडित आते हैं, और शूट साथ साथ में चलेगा, और ब्लॉग में बने रहना एंड तक, देखने को अच्छा लगेगा क्योंकि पूरी शादी भाई की यूट्यूब पे आने वाली है। तो फाइनली मैंने सारा कुछ रेडी कर दिया यहाँ पे, तो अभी वेट कर रहे हैं सिर्फ रमन के आने का, जो कि अभी नहाने गया हुआ है। जैसे वो आता है तो शूट रेडी हो जाएगा, और आते ही उसके पोजिंग वगैरह, थोड़ी सी सिंगल पोजिंग करनी है क्योंकि बड़ा ज़्यादा मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटिंग था कि मैं जल्दी से ठीक हो और जल्दी से आ जाऊँ शूट पे। तो अभी फिर मिलते हैं, एक लुक देखोगे इसकी, देखो भाई की लुक। भाई भाई जान, हेलो गाइस, इधर आओ थोड़ा सा, इधर आओ भाई, ये देखो। तो मैं पहुँच गया हूँ भाई के शादी में, मेरे से ज्यादा मतलब इन्होंने करा होगा दुआ कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो बिल्कुल जल्दी से, इसी को बोला मैंने, बोला कि भाई जल्दी उठ, शादी है, क्या कर रहा है तू, है ना, दोस्त की शादी है, तू अभी तक सोया है। हाँ, तो अभी देखो इसके फेस पे कितनी टेंशन लग रही है शादी की। तो अभी करते हैं फिर स्टार्ट हम। तो सिंगल पोजिंग के बाद अभी हम फ्री हो गए हैं, तो अभी सगन आने वाला है भाई का, उसको रिसीव करने के लिए जाना है हमने। और भाई के साथ दो चार मैंने पोजिंग खुद की भी ली, बड़ा अच्छा मतलब ऑसम फील हो रहा है। हो सकता है मैं डांस वगैरह कम ही कर पाऊँ क्योंकि मैं बीमार हो गया हूँ। तो बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। और ये भाई के घर का नज़ारा थोड़ा इस तरह से देखने को मिल रहा है, शगुन वालों के वेलकम के लिए जो अरेंजमेंट हो रहा है जहाँ पे। भाई की फैमिली बैठी हुई है सामने, भाई का घर, वाह। पीछे चल रहा है भाई का लंच, और सभी जने लंच कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने शूट खत्म करके और फ्री बैठा हूँ अभी मैं। पीछे और यहाँ पे डीजे वाले के साथ थोड़ा सा पंगा हो गया। शादियों में अक्सर चलता रहता है थोड़ा थोड़ा पंगा। गर्मी, हाय गर्मी। भाई क्या कर रहा है, ये वीडियो है। चल, अभी रात का टाइम हो गया और मेहंदी का टाइम हो गया, लेकिन मेहंदी का इनको अभी तक कोई पता नहीं है। मतलब बाहर इंजॉय कर रहे हैं, सभी डांस वगैरह कर रहे हैं, तो बाहर इनका डांस का शूट लेते हैं और साथ में फिर मेहंदी का शूट लेंगे, ठीक है। तो बताते हैं फिर आपको इसकी मेहंदी कैसे होती है भाई की, बने रहना हमारे साथ। भाई को मेहंदी लगती है, मेहंदी देखो उसकी चुड़ैल। रमन भाई कुछ कहना चाहते हो आप? नो ब्रो, क्यों नहीं कहना? लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है, लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है यार। ये तो फीलिंग बढ़िया है ऐसे, मतलब कितना वेट करना पड़ा था ये इसके लिए। हाय हाय, पूरी ग्लोबल लग रहा है तुम। देखा कितना नज़ारा आ रहा है, वैसे मुझे नींद बड़ी ज़्यादा लगी।
भाई साहब क्या हो रहा है ये? अभी भाई पूजा करने जा रहे हैं यहाँ पे और हवन की तैयारी चल रही है यहाँ पे, और इसके बाद फिर भाई ने नहाना है, बूटना वगैरह लगना है, वो आगे का प्रोसीजर फिर आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल देखो बेचारा लगा हुआ है काम पे। चलो बच्चे पंडित जी देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारा। भाई हवन करते हुए यहाँ पे भाई की अभी तेल की रस्म जो है वो चल रही है, ठीक है ना। तो देखो फिर आप साथ साथ अभी धुएं में बैठे हुए हैं, भाई को तेल वगैरह लग गया है, अभी बूटने की तैयारी है और देखो उसकी शक्ल। और इधर देखना, हेलो रैनबो, हाय कर दो। चलो ठीक है फिर चलते हैं फिर बूटने के लिए, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर बूटने के लिए, भाई को लगने वाला है बूटना, उसकी तैयारी है। तो निकलते हैं फिर बाहर क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धुआं है। भाई डोले दी वाला अपने डोले लगा जोला के लोल लगे भाई को रगड़ा देखो सिक्स पैक देखो इसके सिक्स पैक वाह वाह गलत कर गलत रमणा छड़ दे साहब ने भाई जवान मुड़ा जोर रो मार रगड़ा रगड़ा भाई के बारे बारे जा रहे हैं यहां पे। कैसा लग रहा है बट कट? ओए बट कट पूरे 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 सेट अंगड़ी मुच में कटा ली, कट शर्ट मलवा ले हम नहीं आला मुड़ा भाई पहले सेक्सी लग रहा है भाई। अच्छा बस बस खाने खाने की बढ़िया इसको भाई, इसका देखो ना पूरे शिंज में वो करना है, इसको रेसलिंग में भेजना है इसको। हाय कर दो भाई, हाय बढ़िया लग रहा है कुछ ना। और अभी भाई को पगड़ी बन रही है सेरे के लिए सेट। और पीछे बारिश इतनी ज़्यादा है कि कुछ होता बड़ी ज़्यादा बारिश है। तो भाई को लग गया है सेहरा और अभी मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए, तो फिर मिलते हैं। भाई कैसा फील हो रहा है? अरे एक घंटा बैठना पड़ेगा, एक घंटा सेहरा सीधा है नहीं हो सिरा पड़ा गया है कोई कुछ कुछ कर रहा है। ओके ओके तू कुछ नहीं दिंगा निकल का उसे ना। नहीं नहीं मैं कर लूंगा ठीक, इसको इस सेट ज्यादा लग गया नहीं, मैं करता हूं ठीक दो मिनट। भाई को थोड़ा बैम बढ़ गया है इसका, मैं सिरा सेट कर लेता हूं पहले, ठीक है। और अभी हम दोनों भाई रेडी हो गए, देखो लोग भाई तैयारी है मेरे तैयारी। और भाई के साथ दो दिन पोजिंग कर ली हमने, बड़ा सेक्सी मोड है, देखते रहते हैं फिर। अभी भाई को मतलब बाहर जाके तो मोड़ लगने हैं, हार वगैरह डालने हैं, तो वो बाहर का नज़ारा फिर आपको बाहर दिखाते हैं, ठीक है। अभी भाई को हार वगैरह डालने हैं भड़का भड़का थी
करवा दिया और आप स्टेज पे बिठा दिया भाई। और इसके बाद भाई की फिर भाभी की एंट्री करवानी, उसके बाद फिर लगन वेदी वगैरह शुरू हो जाती है। ठीक है, भाभी कर लेते हैं थोड़ा सा डांस वगैरह। अभी भाई की स्टेज चल रही है, बड़ा खुश लग रहा है मुझे। अभी पहुंच गए हैं भाई के ससुराल में और यहाँ पे चल रही है पूजा भाई की, और पूजा के बाद फिर पोर्ट्रेट का हमें टाइम मिलेगा, तो फिर उसके बाद पोजिंग होगी। तो तब तक के लिए फिर देखो आप लोग भाई जी को खिलाए जा रहे हैं क्योर वगैरह, और इनके साथ थोड़ा सा मजाक करते हुए। अल्फा का रिजल्ट देखो अच्छा ना। तो भाई की अभी पोजिंग होगी कंप्लीट, और अभी जा रहे हैं भाई मतलब बेड में बैठने के लिए, और फेरे वगैरह अभी आपको दिखाएंगे फिर आप। तो चलते हैं फिर, इनको भेज देते हैं फिर। चलो फिर भाई जाओ। बेदे लगे और भाई का अभी यहाँ पे फेरे वगैरह यहीं पे होंगे। अरे 4 बजे यहाँ पे चल रहे हैं बेदी वगैरह। इसके पीछे यार कितने बंदे लगे हुए हैं, उनको नींद तक नहीं। और अभी भाई के होने जा रहे हैं यहाँ पे फेरे। ओम द्वे ऊर्जे विष्णुसन तो त्रिय प्रखो ओम त्राणी राय उपवाय विष्णुसन तो चौथी प्रख दियो ओम चात्वार्य मायोपवाय विष्णुसन तो पंचमी प्रख दियो ओम पंच पशुभ्यो विष्णुसन तो छठी प्रख दियो ओम षड ऋतो भ्यो विष्णुसन तो सप्तमी प्रख दियो ओम सते सखे विष्णुसन तो सारिया के मुटा दिए बन के पैर मार दियो, पैर पिछे चली जा बिंदक 2 मिनट थोड़ा टाइम लाना छड़ा फिर तुम जना स्वामी भवता दास कम कदा जल पात्र कंगना दत्ता प्रेम पूर्वकम त्वे कृतभ्यम लोभनम दत्तम ना तु भी वच्छम साध्यम कलाभे जायते निराम। छठे पाद भी चाह दिया मेरे सारे सके संबंधी अजित बड़े तुम्हारे अधीन न तुम्हारे थले न तुम्हारी पूजा की अर्चना की सब कुछ किया। एक चीज दूसरी के होंगे जल पात्र लेइया मेरे माता पिता ने जा मेरे जेडे इतने बड़े दे रिश्तेदार संकल्प करने मिकी कन्यादान करिए देता। कई बार क्या होंगे मेरे कशा गलतियां होनी न क्योंकि एक जगह का बूटा पुटिया दूसरी जगह लाओ उसी टाइम लगता सैट होने। ये भी 22 साल इतने कट्टिया चली है तुम्हारे घर का माहौल पता नहीं कैसा है, उस माहौल की समझने कोई भी बच्चा चली जाएगा उसी समझना पौधा टाइम लगता उनके हाथ तुझे उपर दाड़ा मार लेंगे तो उसे प्रेशर हो जाता। इस करिए ऐसा नहीं करना, अच्छे ढंग करना समझाएंगे तो बच्चा जरा लगी सकता मकर। इस करिए कोई ऐसी गल नहीं करनी। कई बार क्या होंगे हूँ अज प्रेम पूर्वक जल पात्र लेइए संकल्प करिए देता, कई बार घर में टकरा भी होंगे छोटी मोटिया गल सारे घर तो कई पति अच्छे अच्छे जड़े होंगे ना वो ये भी आखी देंगे ये ले लिया ही पिछे का यह लिया जिन्हें एक मनुख कन्यादान करिए देता एक मनुख कन्यादान करिए 22 साल अपने घर रखे भी संकल्प करिए उसको बड़ी मूल चीज की हो सकती इस तो बड़ा कोई चीज़ नहीं है। बाकी डंडल मकंडल कुछ देना चाहते ना
बाकी जरा मनुख अच्छा है तो सब कुछ जरा घर बिच किट्ठा होई सकदा। इस करिए कोई ऐसी मीन है गल नहीं करनी उसके कन्नै क्यों ना मेरे माता पिता की भी दुख होना मिकी भी दुख होना कोई ऐसी गल करगे। इस करिए रमन जी कोई ऐसी गल नहीं करनी जिदे कन्नै मेरे आप की दुख होया मेरे माता पिता की दुख होया कोई ऐसी गल नहीं कर। अगर तुम नहीं करगे तो धामनी देवी आ गई है मैं थोड़े खब्बे वास्ते आना बिल्कुल तैयार है। मेरी एक शर्त है लास्ट धामनी देवी की वह क्या आखिरी है होमें यज्ञे विवाहे कन्या दाने मखे पते अंतग्रंथे मावधाय वाताम से वास्तथा अर्ग पुण्य वरिष्यामी नात्म बाबा भगनी अर्ग पाप रक्ष्यामी चाक्र कार्यम जदि छठे पाद सफे पाद विच आखिरी है धामनी देवी हावन करोगे यज्ञ करोगे मोख व्रत करोगे कुछ भी करोगे थोड़ा खब्बे हुई है ठहरगी एक चीज आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। स्त्री कोई भी है अपने पति दे अधे हिस्से की मालिक है। अच्छा कर्म कर गए हो तो उन्हें अद्धा हिस्सा घर बैठिया ले लेना एक चीज। दूई धामनी देवी आखदी है कि मेरे कच्छा कोई अच्छा कर्म हो जाग अच्छा पूजा पाठ करगी वो मेरे कच्छ ही रहना वो तो की मैं नहीं देना। एक चीज रमन जी दूसरी चीज क्या आती है कि सोत भारी मार जा कीड़ा मकोड़ा किसी पतंग मरी जाग वो भी एक साढ़े हिंदू धर्म बिच पाप गिना जाता उदा तो की आधा हिस्सा बंडना पौना। अगर तो की ऐसा स्वीकार है रमन जी तो दामनी देवी आखिरी है मैं बिल्कुल तैयार है ऐसा क्या तो की स्वीकार है ठीक है। हूँ एक शर्त दामनी देवी जी रमन होरी भी आखते ना वो क्या आखते भला आदो धर्म धरा कुटुंबम सुखदास तस्य प्रेभाषिनी क्रोध आलस्य वर्जिता सुखकारी नित्यम बचाकारिणी पित्रात प्रतिरथा न भागनी प्रेम पूर्वकम तथा इतेन सुरगुणा तस्तु पालिता भावितो मम उदाहरणे मध्य प्रस्थाने परिगमे गमने तथा पूषा गाती रहस्य भाग्यम स्वयं सदा। ये धामनी देवी जी रमन होरी आखते ने एक शर्त क्या आखते ना सुख तथा प्रेभाषणी क्रोध तथा अक्ष मतलब धामनी देवी जी रमन जी आखते ना सच गलाना झूठ नहीं गलाना एक चीज जड़ी स्त्री अपने पति कन्नै झूठ गलांदी है वह अपना घर बार नहीं चलाई सकती उन्हें झूठ गाने की आदत होनी है वह घर नहीं चली सकता एक चीज। दूई धामनी देवी जी आखते ने रमन होरी क्रोध तथा आलख से रहित जिस स्त्री की क्रोध गुस्सा आई जा वह भी अपना घर नहीं क्योंकि इस जगह जगह पर क्रोध गुस्सा आना उन्हें अपना घर कियां चलाना इस करिए क्रोध भी गुस्सा भी जरा अलख है वह भी इत जिस स्त्री की अलख है ये अज मैं गल कर लेंगी वह भी अपना किसी जीवन सुख में नहीं चलाई सकती क्योंकि उसी अलख आई जाना कम होना तो अलख पे जाना तो कम उत्थे रही जाना अपनी किस्ती जीवन सुख में नहीं हो सकता एक चीज। दो चीज़ा तीन चीज़ा बगैर पूछा मंगिया दामनी जी कुसे घर नहीं जाना जिसलै अपने हथे बिच कमान आई जानी फिर जियां मर्जी वरतो लेकिन जहाँ तक बड़े बड़े उनका पूरा मान सम्मान करो उनका इज्जत करो ऐसा कर दिया चल गए तो मतलब उस दे विच जीवन जरा अपना सुखमय बना रहा ये चीज़। जिथे चार बंदे खड़ोते न उत्थे जाइए गल्लां नहीं सुननियां स्त्री बड़ी सातियां शौक भी होंगे जिथे आदमी खड़ोते न उत्थे जरूर कन्न लाइए सुनने के करे दे ना उत्थे स्त्री क्योंकि जिन्हें स्त्री गल सुनने शौक होंगा वह अपना किस्ती जीवन सुखमय नहीं कर सकदियां क्योंकि उन्हें गप्पा सुनने बड़ा शौक होना घर का कम उत्थे उत्थे रही जाना इस करिए वह भी नहीं। कई स्त्रियों की दीवारा कन्ने कन्न लाने का भी शौक होंगे कि कन्न के हो दी गल लेकिन ऐसा करने का जोड़ा है दामनी देवी जी कभी सुख नहीं दे सकता इस करिए इन चीज़ों का परित्याग करना जड़ी स्त्री ऐसा करती है वह अपने जीवन से सुख नहीं दे सकती इस करिए ये चीज़ा ना जड़िया ये आखते ना बगैर पुछिया मंगिया कोई भी बंदा अपने घर बिच है उदा पूरा आदर सत्कार करो कुछ ही मंगिया चलो ऐसा करके रमन जी आखते ना तो मैं थोड़ा जरूर तो जरूर पालन करगा दामनी देवी जी क्योंकि ऐसा स्वीकार है ठीक है जी। हूँ तुम उठिए अपना स्थान जरा है वो बदलो अपनी जगह पर आ जाओ अपनी जगह जरा सही स्थान है।
अच्छा सनूर दियो जी, सनूर दियो। 5 बजने को आ गए हैं और फाइनली भाई की शादी कंप्लीट हो गई है। अब भी बस तमोड़ लगने और फिर विदाई। मंडप कंप्लीट हो गया, जो भी फेरे शर्तें वगैरह जो भी है सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब भी बस विदाई होनी है और अपने घर में जाके एंट्री करनी है। तो भाई की एंट्री करवा दी अभी इनके घर में, तो अभी हमारे निकलने का भी टाइम हो गया। जाते हैं रेस्ट करते हैं अपने घर में। बाकी पूरा ब्लॉग एडिटिंग करके आपको अपलोड मिल जाएगा यूट्यूब पे, और आप प्लीज़ बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर। सब तत्थ समाज उत्तम देव्य तुभ्य मस्तु। गणेश भगवान का ध्यान करो, गौरी माता का ध्यान करो, राधा कृष्ण का ध्यान करो, सारे देवी देवते नवग्रह का ध्यान करो, सारे देवी देवते। तो अभी मैं पहुंच गया हूं भाई के घर में, और भाई की आज जो पार्टी चल रही है यहां पे, तो सेलिब्रेशन यहां पे हो रही है, केक वगैरह यहां पे आ गए। तो अभी करते हैं पहले शूट इनका, फिर आगे का ब्लॉग आपको एंड। ठीक है, और भाई का रूम आज सेट हो गया है, सामान लग गया भाई का, और यहाँ पे मैं ब्लॉग अपना एंड करने वाला हूँ अभी। यहाँ पे बिठाया हुआ है इसको, हरामी को, अभी भी बाहर जा रहा था लेकिन अभी यहाँ पे बिठाया हुआ है इसको। अभी ब्लॉग कर रहा हूँ मैं अपना एंड, और हम कर रहे हैं थोड़ा सा फन बाहर जाके भी, तो चलते हैं फिर। तो भाई भाई, अच्छा रमन भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले ये तो पूछना भूल गया, एक्सपीरियंस अच्छा ही है, आगे जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। अच्छा ही जाएगा, हाँ अच्छा, आई होप अच्छा जाए। ओके भाई, तो चलो फिर सब्सक्राइबर मांगो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कैसे लगी वीडियो आपको कमेंट करता है कमेंट में। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, ओके।